नमस्कार दोस्तों दोस्तों हमारे देश में चल रहे लॉकडाउन ने हर किसी को किसी न किसी तरह से प्रभावित किया है। स्पेशली जो स्टूडेंट्स जो कि एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे थे, इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे थे, उन्हें ये बहुत ज़्यादा प्रभाव हुआ है। दोस्तों अब सबके अभी SSB इंटरव्यूज पोस्टपोन तो हो गए हैं, लेकिन जिस दिन ये लॉकडाउन खत्म होगा, याद रखें कि विद इन 3-4 डेज में ही आपके इंटरव्यूज की डेट्स आना शुरू हो जाएंगी। इसलिए दोस्तों इस लॉकडाउन को आप अपनी लाइफ की एक सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी माने और खुद को इस तरह तैयार करें कि जिस दिन ये लॉकडाउन होगा आप रिटर्न या SSB एग्जाम के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आपके लिए दोस्तों हमारे एक्सपर्ट पैनल ने रातों रात काम करके एक 21 डेज का कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज तैयार किया है। इसमें दोस्तों हमने एनालाइज किया कि किस टॉपिक को कितना टाइम चाहिए और उसे हमने 21 दिन के प्रोग्राम में उसे बांट कर जो है धीरे धीरे डिवाइड किया। और ये सारा प्रोग्राम जो है ये पूरी तरह से कॉम्प्रिहेंसिव है, आप ऑनलाइन इसे अपने घर में ही बैठकर तैयार कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी डिफेंस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और तैयारी मिस ना करें। दोस्तों जैसा कि आपको सबको पता है कि CDS का रिटन एग्जाम मैथ्स, जनरल नॉलेज और इंग्लिश में होता है। अगर आप OTA के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए जा रहे हैं तो इसमें जो है मैथ्स नहीं होता है, सिर्फ जनरल नॉलेज और इंग्लिश होता है। इसमें मैथ्स सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है और जिसमें कि 6 टॉपिक्स होते हैं। अगर आप इसे तरीके से तैयारी करेंगे तो सबसे ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। मैथ्स में सबसे पहले जो मेन टॉपिक होता है वो होता है अरिथमेटिक, जिसमें नंबर सिस्टम, यूनिटरी मेथड, एलिमेंट्री नंबर थ्योरी, प्राइम, कंपोजिट नंबर्स, डिविजिबिलिटी टेस्ट, फैक्टराइजेशन और इसके अलावा कुछ एल्गोरिथम्स होती हैं जो कि इसमें आती हैं। एलजेब्रा में आने वाले टॉपिक्स जैसे कि बेसिक ऑपरेशन, सिंपल फैक्टर्स, रिमाइंडर थ्योरम, ये आप जो है अपने आप देख सकते हैं, स्लाइड्स धीरे धीरे आप अपने आप टाइम में देख सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्री का, जिसमें कि साइन, कोसाइन, सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ज्योमेट्रिक जो बेसिक 10th 11th की होती हैं वो सारी चीज़ है, मेंसुरेशन जो आप नॉर्मली करते हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल्स और लास्ट में स्टैटिस्टिक्स जो कि बेसिक सिंपल स्टैटिस्टिक्स इस मैथ्स क्वेश्चन पेपर में आती हैं। मैथ्स प्रिपरेशन के लिए दोस्तों अगर आप 10th और 11th क्लास तक की CBSE की बुक्स अच्छे से कर लें तो आपको किसी और कोचिंग की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी अगर आप उसके ऊपर अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो अरिहंत पब्लिकेशंस और अग्रवाल साहब की बुक जो है आप कर सकते हैं। इंग्लिश का पेपर दोस्तों बेसिक इंग्लिश टेस्ट होता है, आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश के लिए और जो वर्ड्स का यूज़ करते हैं उसको टेस्ट करने के लिए होता है। टॉपिक्स जो है बहुत कॉमन हैं जैसे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, कॉम्प्रिहेंशन, वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पॉटिंग एरर्स और ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन ए सेंटेंस। तो नॉर्मल चीज़ें हैं जो आपने 10th 11th तक किया है, अगर आप उसे ही अच्छे से करते हैं तो आराम से आप कर पाएंगे। कुछ एडिशनल तैयारी करना चाहते हैं तो ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश बाई RS अग्रवाल, वर्ड पार मेड इजी बाई नॉर्मल ल्यूस और हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन जो नॉर्मली Amazon में अवेलेबल हैं आप ले सकते हैं। दोस्तों जनरल नॉलेज का पेपर इस तरह सेट किया जाता है कि कोई भी एक एजुकेटेड पर्सन जिसने कि रेगुलर न्यूज़ पढ़ी है, रेगुलर एजुकेशन अपने आप को करता रहा है, वो उस पेपर को सॉल्व कर सकता है। लेकिन हम लोग जो हैं ज़्यादातर ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए हमें थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ती है। इसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी के बारे में भी थोड़ा बहुत क्वेश्चंस आते हैं और साइंस के बेसिक क्वेश्चंस इसमें भी पूछे जाते हैं। GK में आने वाले टॉपिक्स आप देख सकते हैं, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, सोशियोलॉजी, करंट अवेयरनेस, बेसिक नॉर्मल अगर आप न्यूज़ और न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं तो आप ये सब आराम से टैकल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कुछ एक्स्ट्रा स्टडी करना चाहते हैं तो मनोरमा ईयरबुक आप देख सकते हैं और ल्यूसेंट्स जनरल नॉलेज आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट की तरफ आते हैं जो होता है SSB। नॉर्मली ये 5-स्टेज प्रोसेस है और किस तरह से घर बैठे इसकी तैयारी करनी है वो मैं आज बात करूँगा। आप स्क्रीनिंग में OIR टेस्ट और PPDT घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं, साइकोलॉजी में तीनों टाइप के टेस्ट जो होते हैं वो भी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, GTO में ज़्यादातर ग्रुप डिस्कशन के जो टॉपिक्स हैं और प्रैक्टिस आप कर सकते हैं और इंटरव्यू की रिहर्सल आप घर में बैठकर ऑनलाइन कर सकते हैं। साइकोलॉजिकल टेस्ट जिसमें कि वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट और सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होता है, इसमें हमने 21 डेज के प्रोग्राम में 7 सीरीज जो है रिकमेंड करी हैं, जिसमें कि प्रॉपर सीरीज होगी, 1 to 60 अगर वर्ड्स हैं तो 1 to 60 वर्ड्स होंगे और आपको वो प्रैक्टिस करने होंगे। TAT टेस्ट में दोस्तों 12 स्टोरीज 60 मिनट्स में लिखनी होती है और रफली जो है हर स्टोरी के लिए आपको 4 मिनट दिए जाते हैं। मैंने यहाँ पर एक सैम्पल टेस्ट डाला है जिसमें कि 12 स्टोरीज दी गई हैं,
लास्ट में एक ब्लैंक स्टोरी है, आप उसे अपने टाइम में देखें और इंश्योर करें कि 60 मिनट्स में आप ये लिख कर तैयारी कर सकें। अगर आप चाहते हैं तो हमें भेज सकते हैं, हमें इन्हें एसेस करेंगे। आपको TAT अटेम्प्ट करते हुए ध्यान रखना है कि इनिशियली जो है आप इमीडिएटली लिखना शुरू ना करें। जो आपको स्टिमुलस दिया गया है, जो पिक्चर दी गई है, उसे 30-40 सेकंड्स के लिए उसे देखें। उसके बाद जो थीम है, जो स्टोरी जिसके बारे में आप लिखना चाहते हैं, उस थीम के बारे में सोचें। डिसाइड करें कि आपका मेन कैरेक्टर क्या है और कौन सी क्वालिटीज़ आप उसमें दिखाना चाहते हैं। हर स्टोरी में आप एक या दो क्वालिटीज़ दिखा सकते हैं। टाइम के ध्यान रखें और कोई भी स्टोरी जो है ऐसा ना करें कि मैं आधी लिख दूँ या मिस आउट करें। कुछ ना कुछ उसमें अवश्य लिखें ताकि आपको जो मार्क्स लास्ट में दिए जाएंगे, जो क्वालिटीज़ आपको दिखाई जाएंगी, वो आप पूरी की पूरी दिखा सकें। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, जहाँ की आपको 60 सिचुएशन दी जाएंगी और आपको 30 मिनट्स में वो पूरी करनी है। की प्रैक्टिस के लिए हमने 30 सिचुएशंस का एक सेट बनाया है, जो कि आप नॉर्मली 15 मिनट्स में पूरा करना आपको होगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इनिशियली फर्स्ट स्लाइड में 12 सिचुएशंस हैं, सेकंड स्लाइड में 23 तक सिचुएशंस हैं और लास्ट स्लाइड में 30 तक सिचुएशंस हैं। भी आप प्रैक्टिस करके हमें भेज सकते हैं। दोस्तों, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद रखने वाली हैं कि इनिशियली इमीडिएटली लिखना ना शुरू करें। 3-4 सेकंड के लिए एनालाइज करें कि आपको क्या सिचुएशन दी गई है। याद रखें कि क्वालिटी इज मोर इम्पॉर्टेंट देन क्वांटिटी। आप 60 सिचुएशन को अटेम्प्ट करने की कोशिश ना करें। आप 40-45 सिचुएशन भी अगर ठीक से अटेम्प्ट कर लेंगे, उसमें क्वालिटी होगी, तब भी आप सिलेक्ट हो जाएंगे। उसे शॉर्ट एंड क्रिस्प रखें। ज़्यादा लिखेंगे तो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। मैक्सिमम एक या दो लाइन में आपकी सिचुएशन जो है पूरी होनी चाहिए। किसी भी सिचुएशन में फुल हार्डी अटेम्प्ट ना करें। आप शेर से अकेले लड़ने ना जाएं। लास्टली, जो प्राइमरी टास्क जिसके लिए आप जा रहे हैं, एंश्योर करें कि लास्ट में आप उसे पूरा करें, कहीं बीच में उसे अधूरा ना छोड़ दें। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, जहाँ की आपको 60 वर्ड दिए जाएंगे और आपको जो है वो 15 मिनट्स में पूरे करने हैं, यानी कि हर वर्ड के लिए आपको 4 या 5 सेकंड का टाइम होता है। दोस्तों, आपकी प्रैक्टिस के लिए हमने 60 वर्ड्स बनाए हैं। इसमें आप देखेंगे कि हर टाइप के वर्ड्स इसमें डाले हैं। कुछ नॉर्मल वर्ड्स हैं जो कि न्यूट्रल टाइप के वर्ड्स हैं, कुछ वैल्यू एडेड वर्ड्स हैं, कुछ ट्रिकी वर्ड्स हैं जैसे कि सेक्स। आपको इन सबको जो है इसके ऊपर वर्ड्स आपको सेंटेंसेस लिखने हैं। इसको अटेम्प्ट करने के लिए दोस्तों एंश्योर करें कि वैल्यू बेस्ड वर्ड्स की तरफ लिखें। एग्जांपल देता हूं, अगर आपको सेक्स दिया गया है तो आप ये ना लिखें कि सेक्स एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट। हर कोई जानता है, लेकिन अगर आप इसमें कुछ लिखते हैं कि सेक्स रिलैक्सेस योर माइंड, दैट मींस कि आपने कोई एक्शन ओरिएंटेड वर्ड बना के लिखा है। डोंट स्टीरियोटाइप। हर जगह आप जो है अपनी बहादुरी दिखाने की कोशिश ना करें। हर टाइप का जो है एक टाइप की क्वालिटी जो है हर वर्ड में दिखाने की कोशिश ना करें। न्यूट्रल सेंटेंसेस जो हैं, नॉर्मल जो कि सेंटेंसेस जैसे कि फैक्ट है, फिगर है, वो अवॉइड करें। तभी लिखें जब आपको कुछ समझ ना आ रहा हो तो। नेगेटिव सेंटेंसेस या फुल हार्डी रिस्पॉन्सेज जो है वो ना लिखें। प्रैक्टिकल जो आप कर सकते हैं वही लिखें। एंश्योर करें कि छोटे लिखें। 4 या 5 का वर्ड्स का सेंटेंस होना चाहिए। लोग आपको जो है 2-2 लाइन्स के सेंटेंसेस लिखना शुरू कर देते हैं, वो ना करें और बीच में मिस ना करें। अगर आप SRT और वर्ड एसोसिएशन टेस्ट बीच में मिस करते हैं तो हमें ये पता लगता है कि आप वो इमोशन को हैंडल नहीं कर पाए हैं, इसलिए इन्हें बीच में मिस ना करें। GTO टास्क, जो कि नॉर्मली हम बात करते हैं कि बाहरी होता है, लेकिन इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो इंडोर कंपोनेंट होता है। अगर आप इसे ऑनलाइन प्रैक्टिस करते हैं तो बाद में जब आपको टाइम मिलेगा तब आप बाहर जाकर 2 या 3 दिन की प्रैक्टिस करेंगे तो आप अच्छे से तैयार हो जाएंगे। नॉर्मली जो GTO टास्क की सीक्वेंस होती है वो इस तरह से Day 1 और Day 2 में डिवाइड करी होती है। हमने अपने वीडियो में इनका पूरा डिटेल दिया है। ग्रुप डिस्कशन एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर कि आप घर में बैठे बैठे रिहर्सल कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। नॉर्मली इसमें पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, डिफेंस, स्पोर्ट्स और इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में पूछा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर कुछ GD टॉपिक्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं, जैसे कि अभी कोरोना वायरस के ऊपर चल रहा है, Indo-US ट्रेड डील, Indo-US डिफेंस रिलेशनशिप, चाइनाज ग्रोइंग रोल इन इंडियन ओशन, ऑयल का जो शॉक चल रखा है, प्राइसेस क्रैश हुए हैं, रोल ऑफ रिलीजन इन पॉलिटिक्स, CA, इस टाइप के जो करंट टॉपिक्स जो चल रहे हैं वो आप तैयारी कर सकते हैं। SSB इंटरव्यू की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसमें काफ़ी रेंज के क्वेश्चंस होते हैं। आपने जो सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट में लिखा होता है, आपका जो प्रोफाइल है, उस सब में से जो है इंटरव्यूअर आपके क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके अलावा अगर आप टेक्निकल कैंडिडेट हैं तो उस टेक्निकल आपकी स्पेसिफिकेशन जो है उसमें से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एम होता है कि आपकी पर्सनैलिटी के बारे में जानना और आपकी जो OLQs हैं उसके बारे में जानना। तो आप इसके बारे में तैयारी घर बैठे ही कर सकते हैं। दोस्तों, आपके लिए हमने 21 दिन का कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम तैयार किया है,
जिसमें कि आपको डेली 4 to 5 hours आपको देने होंगे। अब मैथ्स, इंग्लिश और एसएसबी, इन तीन में हमने इसे डिवाइड किया है। मैथ्स के लिए डेली 2 hours आप दें, इंग्लिश के या जीके का जो बीच का पोर्शन है उसमें 1 hour दें, और एसएसबी के लिए डिपेंडिंग अपॉन क्या आपका रिक्वायरमेंट है उस दिन 1 or 2 hours आप जो हैं उसके लिए सेट कर दें। एग्जाम्पल के तौर पर अगर डे 1 की हम बात करें तो उसमें आप मैथ्स का नंबर सिस्टम्स कर सकते हैं, इंग्लिश में सिनोनिम्स एंटोनिम्स कर सकते हैं, एसएसबी के लिए ओआईआर का पहला सेट और वैट का पहला सेट कर सकते हैं। वीक 2 में आपका मैथ्स और इंग्लिश तो चलता ही रहेगा, एसएसबी आपका एसआरटी शुरू हो जाएगा और जीडी के टॉपिक शुरू हो जाएंगे। थर्ड वीक में आपका मैथ्स के साथ साथ जीके भी शुरू हो जाएगा, और कौन सा जीके में आपको टॉपिक करना है वो मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। एसएसबी में आपका टीएटी का सेट शुरू करेंगे, जीटीओ का, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, और बाद में इंटरव्यू के 3 दिन मैंने यहाँ पर दिए हैं। लास्ट में एसडी टेस्ट और मेडिकल टेस्ट के बारे में आप तैयारी करेंगे। दोस्तों, जितने भी टॉपिक मैंने यहाँ बात करी है उन सब के बारे में हमारे चैनल में कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन है, आपके लिए हर वीडियो वहाँ पर तैयार है, कृपया उसे देखें और अपनी ऑनलाइन तैयारी करें। इसके अलावा दोस्तों, हमारे चैनल को मैक्सिमम शेयर करें। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।